हाय दोस्तों, साई इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। आज हम ये LG का फ्लैट TV रिपेयर करने वाले हैं, तो चलिए इसे ऑन करते हैं। और ये देखिए दोस्तों, सप्लाई देने पर इसकी जो ये देखिए लाइट है वो ब्लिंकिंग कर रही है और TV जो है वो ऑन नहीं हो रहा है। तो चलिए इसे खोलते हैं और देखते हैं इसका क्या प्रॉब्लम है। तो ये देखिए दोस्तों, TV को मैंने खोल दिया है और ये देखिए TV को खोलने के बाद ये देखिए यहाँ पर जो आउटपुट लगा है वहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो गया है दोस्तों। ये देखिए, तो चलिए एक बार इसके हम वोल्टेज चेक करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसे सप्लाई देते हैं और इसके आउटपुट पर वोल्टेज चेक करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, सप्लाई दे दिया है और ये देखिए जो काला प्रोब है वो मैंने ग्राउंड को लगा दिया है। और ये देखिए यहाँ पर 110 के आसपास वोल्टेज आने चाहिए। ये देखिए यहाँ पर, तो ये देखिए दोस्तों, कुछ भी वोल्टेज नहीं आ रही है, 0 वोल्टेज शो हो रही है। तो चलिए ये जो आउटपुट जो ख़राब हुआ है, तो चलिए इसे एक बार चेक करते हैं। तो दोस्तों, अगर आउटपुट पर वोल्टेज नहीं आ रहे हैं और यहाँ पर सप्लाई आ रहा है, तो कभी भी दोस्तों ये देखिए ये कैपेसिटर है वो चार्ज रहता है और हमें इस बल्ब के माध्यम से इसे ये देखिए इस तरह से डिस्चार्ज करना होता है। अगर नहीं करेंगे तो यहाँ पर हाथ लगाया तो आपको शॉक भी लग सकता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये आउटपुट एक बार चेक करते हैं। मीटर की रेंज मैंने ये देखिए कंटिन्यूटी पर लगा दी है, तो ये देखिए, ये देखिए हमारा जो आउटपुट है वो शॉर्ट हो चुका है दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले हम ये आउटपुट और वहाँ पर का ये PF ख़राब हो गया है वही चेंज करेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये आउटपुट है और ये जो PF है वो पूरी तरह से जलकर ख़राब हो चुका है। तो चलिए ये आउटपुट और इसको निकालते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, आउटपुट और ये देखिए PF मैंने निकाल दिया है। PF तो पूरी तरह से जल चुका है दोस्तों। अब इसे निकालने के बाद हम एक बार फिर से कंटिन्यूटी पर चेक करेंगे कुछ शॉर्ट है या नहीं। तो चलिए आउटपुट पर कंटिन्यूटी से चेक करते हैं। ये देखिए दोस्तों, अभी भी शॉर्ट दिखा रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर जो ये डायोड लगा हुआ है इसे चेक करते हैं। ये देखिए ये डायोड भी शॉर्ट है। चलिए मैं आपको एक बार ऊपर से दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये डायोड है, ये डायोड भी ये देखिए हिट होकर ख़राब हो चुका है। तो चलिए इसे भी हम निकालते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, डायोड को मैंने निकाल दिया है, यहाँ पर था। तो इसकी देखिए कंटिन्यूटी, ये देखिए डायोड शॉर्ट हो गया है। तो ये देखिए दोस्तों, अब हम उसकी जगह ये डायोड लगाएंगे जी, इसका नंबर है RU3। ये देखिए, और ये देखिए PF का नंबर है 2KV। और ये देखिए आउटपुट का नंबर है
1803। ये देखिए, तो चलिए इसे लगाते हैं और देखते हैं हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है या नहीं। तो ये देखिए दोस्तों, ये डायोड, ये आउटपुट और ये पीएफ हमने लगा दिया है। तो चलिए इसे एक बार हम चेक करते हैं अभी भी कुछ शॉर्ट है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर, ये देखिए अभी यहाँ पर शॉर्ट नहीं दिखा रहा है। और ये डायोड पर देखते हैं, ये देखिए डायोड पर भी अभी शॉर्टेज नहीं है। तो चलिए एक बार इसे सप्लाई देते हैं और इसके आउटपुट पर वोल्टेज आ रही है या नहीं ये देखते हैं। तो चलिए इसे सप्लाई देते हैं और देखते हैं हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है नहीं। तो ये देखिए, ये देखिए हमारी एलईडी जो है वो अभी ब्लिंकिंग नहीं हो रही है। और चलिए इसके आउटपुट पर हम वोल्टेज चेक करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, अभी 120 के आसपास वोल्टेज आ रहे हैं, जो कि ये वोल्टेज ठीक है। तो चलिए एक बार हम पीसीबी को लगाते हैं और देखते हैं स्क्रीन पर क्या आता है। तो चलिए दोस्तों, अब एक बार हम इसे सप्लाई देते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो ये देखिए, सप्लाई देने पर अब लाइट ब्लिंकिंग नहीं कर रही है और देखते हैं डिस्प्ले पर क्या शो होता है। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा जो ये देखिए टीवी डेट था तो अभी ऑन हो चुका है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो फ्रेंड प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।